पिछले 3-4-7 दिन से लगातार आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये प्रजातंत्र आप चाहते हैं कि प्रजातंत्र में अधिकारों का हनन नहीं हो तो आपको सावचेत होना चाहिए। जो कुछ आप लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं। एक बार कोई व्यक्ति किसी के साथ धोखा करे, उसको फंसाए, उसको नाक रगड़वाए और फिर उसको कहे कि मैं तुम्हारे साथ न्याय करना चाहता हूँ, ये अच्छी चीजें नहीं है। ये एक कोई किसी की हत्या का मामला, झूठ की चर्चा इसलिए कर रहा था कि आजकल तो भूले अपना पकी ज्यादा ही भूल जमा काम कुछ हो रही करा कुछ हो रही। आज हम लोग उन रजूटों की याद को ताजा करने के लिए, उस नौजवानों की याद को चिरस्थायी बनाने के लिए, एक ऐसे नौजवान को जिसने मां भारती के नाम पर अपने आप को बलिदान कर दिया, हम सब लोगों को इकट्ठा किया है। मुझे अपने आप में बड़ा गर्व इसलिए महसूस हो रहा है कि पिछले कई सालों से मैं सही राम जी के और इनके पुत्र के पड़ोस में यहां रहता हूं। पूरे परिवार में जिस प्रकार के का सामंजस्य और जिस प्रकार की एक प्रेरणा दे आप लोग देते हैं पूरे समाज को, मुझे वाकई अपने आप को उनको सैल्यूट करने के का मन करता है। मैं इस प्रतिमा को सैल्यूट करता हूं, भाई अनिल कुमार महिला की प्रतिमा को सैल्यूट करने के साथ साथ मैं उनके साथ बेटू को सबको सैल्यूट करता हूं जो महाभारती के लिए अपना जज्बा रखते हैं, अपने विचार रखते हैं और हमेशा अपने आप को तैयार रखते हैं। आज कोई दिगर चर्चाएं करें इस बात की, वह मंच मुझे इजाजत तो नहीं देता, पर मैं नौजवानों से बताना चाहता हूं, अनिल कुमार महिला ने अपनी शहादत नहीं दी है, ये मात्र सही राम जी ने उनके बेटे ने एक प्रतिमा नहीं लगाई, आपके सामने एक ऐसा मंदिर बनाया है, एक ऐसा शिवालय बनाया, भगवान शिव का दिन है आज सोमवार, और आज इन्होंने मंदिर बनाकर हम लोगों को एक संदेश दिया है। हनुमान भगवान श्री राम कृष्ण शिव जी को किसी ने देखा नहीं, हम पूछते जरूर हैं उनको पर आप किसे किसी ने उनको देखा नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी जीवन हमारे सामने जिया नहीं। पर जितने भी देवता हिंदू धर्म में हैं सब के सब भगवान के नाम से कहीं ना किसी माता के पैदा हुए हैं। हमने अनिल कुमार महिला को जीते जागते हमारे बीच में खेलते पलते बढ़ते देखा है और इन शहीदों का जीवन हमारे सामने इस बात की प्रेरणा देता है कि एक माँ के गर्भ में पैदा होकर देखिए किस प्रकार निर्भय होकर देश की सेवा करते करते चले गए। हमें उनके आदर्श पर चलना चाहिए नौजवान साथियों, उनकी रहनुमाई करनी चाहिए, उनके आदर्श कदमों पर चलना चाहिए और अपने आप को मां भारती को समर्पित करके आगे बढ़ना चाहिए। यही इस देश की सुरक्षा का मूल मंत्र है। इस देश को सुरक्षित रखना है, हमने अपने आप को स्वाधीन रखना है, अपने आप को प्रजातंत्र में स्थापित रखते हुए अपने विचारों को स्वतंत्रता देनी है, तो इन शहीदों के रास्तों पर चलना चाहिए, इनके विचारों को आत्मसात करना चाहिए और किसानों को बेटों को आगे बढ़ते हुए काम करना चाहिए। आपके उपस्थित किसान समुदाय से कहना चाहता हूं, वक्त बहुत नाजुक है, कई बार पिछले कई सालों में हम लोगों ने 75 साल से लगातार प्रजातंत्र का स्वरूप हम लोग देखते आ रहे, ये राजनीति करने का मंच नहीं है, पर ये इस बात की मक्का के लिए भी जरूरी है कि मंच पर खड़ा होकर, क्योंकि इस राजनीति की भावनाओं को ही तो हमारे बेटे उनके बलि पर चढ़ रहे हैं, प्रजातंत्र के नाम पे तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में हमारे बेटों को आज फिर से अपने आप को शहीद करना पड़ता है। आज फिर हमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हम जब अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है तो ऐसे समय पर हमने अपने आप को किस प्रकार स्वतंत्र रखें, बेटे कैसे आगे बढ़े, मां भारती कैसे सुरक्षित रहे, इन बातों की चर्चा करना भी जरूरी है। आप चाहते हैं कि आजाद हिंदुस्तान में इसी प्रकार सुरक्षा की शासन ले, आप चाहते हैं कि आजाद हिंदुस्तान में हमारे बेटे बेटे इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे, आप चाहते हैं कि हम सुरक्षित भी रहें, संपन्न भी हो और आगे भी बढ़े, तो जरूरी है कि राजनीति के बारे में हमें हर एक चीज का ज्ञान होना चाहिए। कौन किसान का हितैषी हो सकता है, कौन हमारा भला कर सकता है, कौन हमारे बच्चों के भविष्य को संवार सकता है, इन बातों को भी तय करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लोग चर्चाएं करते हैं, आज शहीद की प्रतिमा का अनावरण था, उसके बाद भी राजनीति की चर्चा हुई, पर प्रजातंत्र में राजनीति की चर्चा नहीं होगी तो फिर हमें अपने आप का आहुति देने की जरूरत है क्या? वक्त कोई बहुत ज्यादा बदला नहीं है, हम किसान तो पहले भी इसी प्रकार मरते मिटते रहे, कभी अंग्रेजों के साथ, कभी मुगलों के साथ और कभी आजाद हिंदुस्तान के बाद भी हमें हमारे अपने देश के अंदर हमें अपने आप को मिटाना पड़ता है। इस बात के लिए जरूरी है कि मां भारती की सीमाओं की रक्षा करने के लिए तो भले ही हमें मिटना पड़े, पर कोई और व्यक्ति हमारे हकों का अधिकारों का हनन करके हमें यहीं कहीं देश नाबूद कर दे, इस बात के लिए हमको आगाह भी होना चाहिए, जागृत भी होना चाहिए। आप लोग यहां उपस्थित हैं, अनेकों सरकारें आपने देखी हैं,
प्रजातंत्र में हर एक पांच साल में सरकारें बदलती है, पार्टियां बदलती है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, अब वक्त बहुत ज्यादा रहा नहीं, बहुत कम समय में एक बार फिर राजस्थान में परिवर्तन का समय आने वाला है। 4.5 साल पहले आप लोगों के साथ किस सरकार ने, किस सरकारों के मुखिया ने, किस पार्टियों ने आपके साथ किस प्रकार का धोखा किया, क्या क्या प्रलोभन आपको दिए गए, आपके बेटों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, किसानों के बिजली के बिल माफ किए जाएंगे, आपका सारा का सारा लोन माफ कर दिया जाएगा। ये चर्चाएं इसलिए करनी जरूरी है कि समय आने वाला है कितनी बार अनिल कुमार मेला जैसे नौजवान साथी बलिदान देते रहेंगे, कितनी बार महावीर झाजरिया जैसे लोगों की हत्याएं होगी, कितनी बार मदन मणकस मरेंगे, क्या क्या करना चाहते हो, क्या क्या देखना चाहते हो, इसलिए राजनीतिक बातें करना भी जरूरी है। समय बहुत कम बचा है, 4.5 साल बाद एक बार फिर अनिल कुमार महिला को तो इस बात की चिंता थी कि मैं जहां हूं, मैं जिस सीमा सुरक्षा पर, मैं जहां जिस दिल्ली पुलिस में हूं, उसकी सुरक्षा कैसे की जाए मैं जानता हूं, पर आप में से एक की जिम्मेदारी है कि उदयपुर वाटी के गुनागोड़ जी की तस्वीर कैसी हो, ये आजाद कैसे रहे, सुरक्षित कैसे रहे, इस बात के लिए भी आपको चिंतन करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। 4.5 साल में जिस प्रकार का काम आपने देखा है, राजनीति में जीते हुए लोगों को किस प्रकार दबाया जाता है। माताओं से बहनों से निवेदन है, अपना 10 मिनट का अमूल्य समय और दें, सभी से निवेदन है, वरना कारण भेंट जाले चल पड़ेगी, साड़ी चल पड़ेगी। जल्दी करोगे तो मैं आओगे बस झंडा भी बंद कराया जाएगा, बोल मेरी 5-6 मिनट बैठी रहो, बैठ जाओ बैठ जाओ, छाटा है पहले पहले माली बात चल, कोई ना घणो जरूरी काम आप बात चल जाओ, दूसरी का कोई मार के ले जाएगी वो गल लग जाएगी, सो गए, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। पिछले 3-4-7 दिन से लगातार आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये प्रजातंत्र का अच्छा नमूना नहीं है, प्रजातंत्र का नमूना नहीं है। आप चाहते हैं कि स्वतंत्र न प्रजातंत्र यहां हो, आपका वोट आपका मत जिस पक्ष में जाता हो न्याय करे, आप चाहते हैं कि प्रजातंत्र के अधिकारों का हनन नहीं हो, तो आपको सावचेत होना चाहिए। जो कुछ आप लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं, एक बार कोई व्यक्ति किसी के साथ धोखा करे, उसको फंसाए, उसको नाक रगड़वाए और फिर उसको कहे कि मैं तुम्हारे साथ न्याय करना चाहता हूं, ये अच्छी चीजें नहीं है। ये एक कोई किसी की हत्या का मामला नहीं है, ये मात्र जो चले गए जिनकी हत्याएं हुई हो तो इंसान चले गए, पर जिनको दबाकर कुचलाकर जिनको जबरदस्ती जिनके साथ अन्याय किया जाता है, उन नेताओं के, उस राजनीति करने वाले लोगों के, उन किसानों के बेटों की आत्मा एक बार नहीं बार बार मरती है, और मारने वालों का ध्यान आपको होना चाहिए। समय बहुत कम बचा है, पिछले दिनों एक नमूना आपके सामने भी पेश किया गया था, पहले अखबारों में निकलाया गया गुढ़ागोड़ जी को झुंझुनू जिले में मिलाया जाएगा, एक बार नहीं अनेक बार उनके उनकी राय को मानने वाले सरपंचों ने, उन जनप्रतिनिधियों ने और उन्होंने खुद ने अनेक बार सरकारों में जाकर इस बात की पैरवी की, गुढ़ागोड़ जी उदयपुर वाली संपूर्ण तहसील को निमका थाना में जाना चाहिए, आपके अधिकारों का हनन नहीं हुआ। आपके साथ लगातार नाक रगड़ने के बाद भी हमें पंचायत का एनओसी तक नहीं मिली है, बूंद बूंद खरीदा यहां बैठे संघर्ष समिति के लोग यहां बैठे हैं, हमने एक लड़ाई मात्र हमने आपके लिए नहीं लड़ी, हमेशा जिस प्रकार भाई अनिल कुमार महिला ने हमें सीख दी है, हमारे शहीदों ने, छत्रपाल सिंह ने, अनिल महिला ने, अनिल तीनों शहीदों ने हमें जो शिक्षा दी, जो प्रेरणा दी, हम उसी के अनुसार संघर्ष करते हुए लड़ते आ रहे हैं और इस क्षेत्र को स्वतंत्र रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को सुविधा वो मिलनी चाहिए, लड़ाइयां लड़ते लड़ते भी आज तक एक भी दिन उनमें से किसी के जवान से ये नहीं निकला, किसी मुख्यमंत्री से, किसी सरकार के नुमाइंदे से जाकर एक भी व्यक्ति, जिन लोगों को आप जानते हैं वहां जाकर ये नहीं कहा गुढ़ागोड़ जी को झुंझुनू में रहना चाहिए। ये लड़ाई मात्र संघर्ष समिति क्यों लड़ रही है, पर ये प्रेरणा हमें अनिल कुमार मेला जैसे शहीदों से मिलती है, वो भी ये कह देते कि मैं श्री राम जी का बेटा अकेला क्यों जाकर सीमाओं पर मरूंगा, मैंने एक ठेका लिया तो क्या हम आज यहां उपस्थित हो पाते। हमने इनसे सीखा है, किसानों के बेटों से, कि तुम जब से देश की सीमाओं पर अकेले मर सकते हो, मर सकते हो, बलिदान दे सकते हो, तो हम भी किसानों के बेटे हैं, अकेले किसानों के भरोसे पर जाकर लड़ाइयां लड़ेंगे, जहां हम चाहेंगे वहां रहेंगे और ये चीज तो आपकी मंजिल तक पहुंचने वाली है, हम उस चीज को भी प्राप्त करके रहेंगे, आपको बताना चाहता हूं। पर उन लोगों को सबक सिखाओ जिन्होंने ये काम किया, अन्याय हमारे साथ किया है, ये जगह जगह बात करने का विषय है। आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने एक ऐतिहासिक रैली गुढ़ागोड़ जी में की,
बहुत जल्दी आप लोग उसके चीज का रिजल्ट प्राप्त करने वाले हैं, उसमें सफल होने वाले हैं। अब हम वापिस उस सफलता को प्राप्त करने के बाद एक बार फिर आपकी एक धन्यवाद सभा का आयोजन करेंगे। पर आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार का आयोजन आज आप लोगों ने आज यहाँ पधारे हैं, मैं पुनः एक बार किसान समुदाय को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वाकई आप लोगों को जब भी किसानों के सम्मान के लिए बुलाया जाता है आप भागे दौड़े चले आते हैं। मातृशक्ति भी हमेशा इस बात में तत्पर रहती है। आपको इतना ही कहता हूँ, ये किसानों के जवान बेटे आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेंगे। आप जितना विश्वास हम पर रखते हैं, उस विश्वास पर हम आप बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ, आपके विश्वास को कभी डगमगाने देंगे नहीं। हमेशा आपकी बातों को मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आपको एक विश्वास दिला कहकर अपने जवान को विराम पानी को विराम दूंगा कि जो कोई आशा और भरोसा आपने हम पर पहले भी किया है, 5 साल लगातार उदयपुर वाटी का ऐतिहासिक विकास ही नहीं किया, आपका मान सम्मान और स्वाभिमान को हमने बचाया है, हमने आपके मान सम्मान स्वाभिमान को सर्वोपरि रखा है। 4.5 साल में क्या क्या कुठाराघात किसान के साथ हुआ आप लोग उसे बेहतर जानते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही आने वाले 5 साल में भी अगर आप हम पर भरोसा करेंगे तो उस भरोसे पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आज भाई अनिल कुमार महिला की याद में आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसानों के बेटे इसी प्रकार शहादत तब तक माँ भारती पर देते रहेंगे, हम लोग उनके पीछे खड़े, उनके परिवार का और आप पूरे जन समुदाय का भरोसा टूटने देंगे नहीं। और आपको आगे बढ़ने के लिए जितनी समस्याएं आएंगी उसी के उस समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा एकजुट होकर आपके साथ खड़े रहेंगे, ऐसा विश्वास हम आपको दिलाना चाहता हूँ। सही परिवार को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, हम जी जान से आपके साथ खड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।